जहरा अपनी खूबसूरती की वजह से लगातार लाइमलाइट में रहती है। उनके फैंस उन्हें हॉलीवुड हसीनाओं से भी ज्यादा खूबसूरत बताते हैं बता दें कि जहरा पर पहली बार लोगों की नजरें टोक्यो ओलंपिक के दौरान पड़ी थी जहरा गुनेस, जन्म 7 जुलाई 1999, एक तुर्की पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। वह 197 सेमी 6 फीट 6 इंच लंबी और 84 किलोग्राम 185 पाउंड की है और मिडिल ब्लॉकर पोजीशन में खेलती है। वर्तमान में वह वाकिफ बैंक इस्तांबुल के लिए खेलती है और तुर्की महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की सदस्य है। 2. हेटेस्पोर टीएफएफ के प्रतिनिधि हसन बोझकुर्तर ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी जहरा गुनेस ने हेटे की सिरेन की जर्सी पहनी हुई थी, जिसने भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी, और कहा, प्रिय जहरा, अब तुम हेटे की बेटी हो। हेटेस्पोर टीएफएफ के प्रतिनिधि हसन बोझकुर्तर, जिन्होंने रीवा हसन दोगान नेशनल टीम्स कैंप और टर इस बात पर जोर देते हुए कि एक शहर के रूप में आबादी का 1/3 हिस्सा हटे में नहीं है, बोझकुर्तर ने कहा, इसलिए हमें छोड़ दिया गया, वे दूसरे शहरों में चले गए। हमें छोड़ने वाले लोगों की संख्या 24,000 है। भूकंप में लगभग 50,000 लोग मारे गए। लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें से आधे लोग हेटे में मारे गए। शिफ्ट के कारण हमारे स्टेडियम में लागा का राहत दना चाहता आर अपन टूट हुए मैदान को फिर से हासिल करना चाहते हैं, मनोबल, उन्होंने कहा। ए नेशनल महिला वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी जहरा गुनेस का जिक्र करते हुए, जो FIVB 2024 नेशंस लीग में चैंपियन बनी, हसन बोझकुर्तर ने अपने शब्दों को इस प्रकार समाप्त किया, हम यहां जहरा गुनेस को सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं हेटे के जीवन के लिए। मुझे आशा है कि हेटेस्पोर की सफलता के साथ हम दोनों लोगों को प्रेरित करेंगे और लोगों की हमारे शहर में आने की इच्छा बढ़ाएंगे। यहां से हम कहते हैं कि हेटेली हेटे को मत छोड़ो, हमारा हाथ पकड़ो। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक और नैतिक रूप से हमारा समर्थन किया। जहरा गुनेस तुर्की की एक प्रतिभाशाली वॉलीबॉल खिलाड़ी है। 24 वर्षीय प्रतिभाशाली एथलीट का जन्म 7 जुलाई 1999 को कार्तल, तुर्की में हुआ था। वह लगभग 6 फीट 6 इंच लंबी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2021 के ओलंपिक खेलों से की। वह महिला वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल के दौरान प्रमुखता से उभरी। उस समय उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गई थी। अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति और कौशल के लिए वह सोशल मीडिया सनसनी बन गई। वेस्टल वीनस सुल्तान लीग के 2017-18 सीजन में, जो वेस्टल द्वारा प्रायोजित तुर्की की, शामिल हुई। तब से वह FIVB वॉलीबॉल महिला राष्ट्रीय लीग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। 2021 में उन्हें FIVB महिला क्लब विश्व चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ मध्य अवरोधक का खिताब दिया गया। उन्होंने अपने उत्पादों के विपणन के लिए कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया है, लोरियल और मर्सिडीज जैसे लोकप्रिय ब्रांड। इंस्टाग्राम के अलावा वह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बाद में 2016 में उन्होंने FIVB वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स में भी भाग लिया। उसके बाद उन्हें तुर्की की महिला U20 टीम में भी नामित किया गया। उन्होंने मेक्सिको में 2017 FIVB वॉलीबॉल महिला चैंपियनशिप में भाग लिया। टूर्नामेंट में उन्हें सर्वश्रेष्ठ मध्य अवरोधक माना गया। वह 2018 में तुर्की महिला टीम में शाम